OMG, देखिए पत्थर गिरते हैं यहाँ पे। अरे ना ठीक है, यहाँ से कितना नेरो है, गाड़ी भी पास करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये ड्राइवर भैया बहुत ही खतरनाक से चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ काम हो गया था। एंड अभी मेरे साथ एक दोस्त है थॉमस, जो अभी दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि आने नहीं जाने के, तो दोनों सब रेडी हो चुका है, तो बस यहाँ से जाना है। एंड अनिनी का रास्ता पता नहीं, मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, लेकिन वहाँ जाके ही पता चलेगा कि रास्ता कैसे है। तो आप सभी को मैं A to Z दिखाने की कोशिश करूँगा, तो फिर बिना देर करे यहाँ से निकलते हैं। अभी डिजू से थॉमस हम लोग निकल गया रोइंग के लिए, तो रोइंग पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही आने के लिए निकलेगा। सो पता नहीं रोइंग कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा पहुंचने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि 45 मिनट या 1 आवर में पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं उससे भी ज़रा ला सकते हैं। तेजू से अनिनी 286 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर है। एंड मेरा बाइक का टेंकी लीटर 9.5 लीटर है, तो मेरे ख्याल में अनिनी तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए रोइंग में जब रुकेगा तब वहाँ पे 3 लीटर एक्स्ट्रा बोतल पे ले जाऊँगा, क्योंकि बाद में फंस जाएगा तो ये बहुत ही दिक्कत होगा, इसलिए बोतल एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा 3 लीटर। एंड ये जगह को कहते हैं ये दिगारू, एंड ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है दिगारू। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट जगह है। एंड एक तरफ से बोला जाए तो ये एक ग्रास लेन है, तो चारों ओर यहाँ पे ग्रास मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे शूटिंग भी कर चुका है, एल्बम म्यूजिक वीडियो एल्बम। तेजू से रोइंग के लिए जाते वक्त यहाँ पे एक चराली मिलेगा, अगर यहाँ से लेफ्ट जाता है तो नमसाई, एंड यहाँ से सीधा जाता है तो रोइंग मिलेगा। सो पता नहीं यहाँ से रोइंग कितना दूर है अभी। तो ये है थॉमस, एंड आज मेरे साथ अनिनी जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये थॉमस तेजू पे पढ़ाई करते हैं BA 4th semester, उन्हें टीचर बनने का बड़े शौक है। ये रोइंग का रास्ता काफ़ी सुंदर है, एंड जगह भी बहुत ही सुंदर है, चारों ओर पेड़ ही पेड़, जो अच्छा फील आता है, एंड हवा भी एकदम फ्रेश आता है। मुझे याद है ये जगह जब मैं नमसाई पे पढ़ाई करते थे, ये बिथनी कॉलेज पे फर्स्ट ईयर पे, तब यहाँ पे फील्ड ट्रिप ले रिसर्च ले आए थे हम 2017 को, तो बहुत ही अच्छा मेमोरीज क्रिएट किए वहाँ पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ से ज़रा दूर नहीं है रोइंग, दूर है लेकिन ज़रा दूर नहीं है। एंड अभी का जगह का नाम है बिस्मक नगर, तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये, तो अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो इस जगह पे। क्या जगह है यार, बहुत ही सुंदर, OMG, काफ़ी सुंदर है जगह, चारों ओर पहाड़ी पहाड़, घना जंगल, एंड कहीं पे ग्रास नहीं है, घास नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह। जब हम 2017 पे ये कॉलेज का फील्ड ट्रिप आई थी, तब यहाँ पे ये ब्रिज नहीं बना था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये नीचे से चल रहा था, वो नीचे से चल रहा था, तो अभी ये ब्रिज एकदम बढ़िया हो चुका है, एंड यहाँ से ही चलते हैं। एंड आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ का सिनारी देखिए काफ़ी सुंदर है, जगह पहाड़ी, चारों ओर पहाड़ है, नदी है, ये जगह काफ़ी सुंदर है। अभी का ब्रिज से रोइंग पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर से कुछ है। एंड थॉमस हम दोनों 7:30 को मूव किया था, एंड अभी टाइम हो चुका है 7:54, तो 24 मिनट हो गया तेजू से मूव होने के बाद, एंड अभी हम दोनों पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच गए रोइंग, यहाँ से एंट्री होते हुए
रिंग आराम से पहुंच जाएगा बगल में, यहाँ से राइट लेंगे तो आराम से रोइंग। तो अभी हम रोइंग पहुंच गया एंड यहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, वेलकम टू रोइंग। तो ये मेरे दोस्त गेमिन एंड ये रोइंग के ये एंड ये आदि है। तो हम ये नहीं मिल गए, काफ़ी साल हो चुका, कॉलेज में ही मिला था। तो ठीक है जाएगा ना, अभी लेट हो जाएगा नहीं निकले क्योंकि यहाँ से 6 आवर्स लेगा, तो बहुत ही मुश्किल है। एंड अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके सीधा आनी निकले निकल जाएगा, तो पता नहीं कितना समय लेगा, देखते रहिए। फ्रेंड्स तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी चुपंग हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, रोइंग से निकल रहे हैं। तो ये रोइंग का ब्रिज है, यहाँ से काफ़ी अच्छा सीनरी आता है। एंड ये रोइंग से मायोडिया 54 किलोमीटर से कुछ है और अनिनी यहाँ से 227 किलोमीटर से कुछ है। तो लगभग हमें मैप में ये दिखा रहे कि गूगल मैप में ये दिखा रहे कि 5 आवर्स से कुछ लेगा रहे। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, 2020 को मायोडिया एक बार गया था, उसके बाद कभी गया ही नहीं। तो अभी पता नहीं रास्ता कैसे है, उस वक्त रास्ता इतना ठीक नहीं था मायोडिया का वो रास्ता। तो मेरे ख्याल में अभी 3 ईयर्स हो रहा है, तो मेरे ख्याल में रास्ता तो बन जाना चाहिए अच्छा से। एंड मेरा दोस्त जिंडो ये बोल रहा था कि अनिनी का रास्ता बहुत अच्छा हो गया ऐसा, कोई अनिनी जाने वाला आदमी मिल जाए ठीक था साथ में जाने के लिए, क्योंकि दोनों को पता नहीं है कि अनिनी रास्ता कहाँ है, बस दोनों इसे जा रहे हैं। मैंने गूगल मैप में चेक किया था अनिनी रास्ता, तो गूगल मैप में ये दिखा रहा था कि रोड जो बहुत ही जिगजैग, ये बहुत ही स्नेक की तरह टर्निंग बहुत सारा है। तो अभी वो जगह पहुंच गया, तो काफ़ी जिगजैग है ये रोड एंड रोड काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है अभी रोड। तो अरुणाचल गवर्नमेंट को मैं सल्यूट देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा बनाए रोड। तो आज की व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊँगा कि अनिनी जाने का रास्ता कहाँ से जाना पड़ता है एंड कितना किलोमीटर एंड रास्ता कैसे है, वो आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे अभी जो साइन बोर्ड मिला है वो 213 किलोमीटर से कुछ दिखाएं। एंड यहाँ से हाईवे ख़त्म, रोड काफ़ी सुंदर है, छोटा है पर सुंदर है। एंड ये न्यूली बनाया गया रोड होगा, ये देख के पता चलते हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर। रास्ता बहुत ही खतरनाक गया, बहुत ही टर्निंग है। हाँ नहीं बना था, रास्ता खराब था ना, हाँ छोटा ही लेकिन अच्छा है ना। जब 2020 को जब हम यहाँ पे आए था मायोडिया पे, तब ये रोड ऐसे नहीं था, रास्ता बहुत ही ख़राब था, अभी ये पूरा बन चुका है। तो अभी ये दोस्त ने बोला था कि रोड अभी बन चुका है ऐसा, काफ़ी सुंदर है। ये जगह जो अभी हम पहुँचे हैं ये तिवारी जगह है, पता नहीं बस्ती है ना क्या है, इतना आइडिया नहीं है, जस्ट साइन बोर्ड में देखा। एंड आप सभी देख सकते हैं कि पहाड़ बहुत सुंदर है, आज से यहाँ पे पता नहीं फोगी से हो रहे हैं उसके कारण से क्लियर से नहीं दिख रहे, लेकिन पहाड़ काफ़ी सुंदर जगह है। पहाड़ उठते उठते पूरा ठंडा लग गया एंड हाथ भी एकदम ठंडा लग रहा है। तो दोस्त ने ये थॉमस ने बोला ही था या कल कि हैंड ग्लोव ले लो एक, तो मैंने सोचा कि तेजू वहाँ पर हैंड ग्लोव नहीं मिला था, वहाँ पर जो विंटर का हैंड ग्लोव है ना वही मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो बाइक के साथ भी मैच नहीं हुआ तो लेके क्या फ़ायदा, नहीं लेगा कि मैंने ये इग्नोर मारा था। लेकिन अभी ठंड है ये जगह एंड यहाँ का हवा बहुत ही फ्रेश है, ऐसे लगता है कि फ्रेश का अंदर में हाथ ऐसे रखा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही कितना माइनस तो नहीं होगा, लेकिन साइड मेरे ख्याल में 5 डिग्री ऐसे कुछ तो होना चाहिए, मेरे ख्याल में 5 या 10 डिग्री के अंदर में होना चाहिए, मोबाइल देख के पता चलेगा। लेकिन काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, बस बर्फ़ नहीं गिरा वही अंदर है।
एंड यहाँ का खाई बहुत सारा खाई है ऐसा, तो रोड को देख के ही चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे थॉमस इंजॉय करते हुए राइड का, अगर थॉमस नहीं होता तो ये राइड भी मज़ा नहीं होता। ये देखिए एकदम खतरनाक, एकदम हत्था कट्टा। और देखिए ना इतना प्यारी, अभी तो मिथुन का बच्चा बहुत प्यारी था एंड मिथुन एकदम हत्था कट्टा यहाँ का, सेटिस्फाई है, देख के सेटिस्फाई लग गया। यहाँ का जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, पता नहीं मैं जुबान में ये निकल रहे कि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये तो सिर्फ रोड है, अगर जब अनिनी पहुँचेगी ना तब उपाय नहीं, डायरेक्ट खो जाएगा, इतना तो गारंटी है। मयूरिया में रुकिया, हाँ अभी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है मयूरिया अभी। चलो चलो, मेरे दोस्त ने बोला है कि कहाँ रुकेगा, कहीं थोड़ा रेस कर लेगा बोला है ना, क्योंकि रोइंग से 9:25 को निकला था एंड अभी 10:19 हो गया। वाह यहाँ का रोड, OMG जगह बहुत ही अच्छा है। ये राइट साइड एकदम पूरा खाई है, अगर यहाँ से गिर गया तो इंसान का हड्डी भी नहीं मिलेगा, एकदम खाई, एकदम खाई, देखिए ना एकदम खाई। OMG धरफना था ना, धरफना था ना, धरफना है ये यहाँ का खाए तो आराम से जगह ले। यार रुकिए ना हो जाएगा, डूब तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, दोस्त ने बोला कि थोड़ा छाया जगह में रुकिए ले। यहाँ का खाई देखे ना एकदम खतरनाक है, एंड बाकी इसके बाद के लिए यहाँ पे अयो माँ कसम सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन यहाँ का खाई देखे ना एकदम खतरनाक खाई है यार, जगह भी बहुत सुंदर है। OMG देखिए ना क्या पत्थर तोड़ के रास्ता बनाया यार, वाह बहुत ही सुंदर। थोड़ा संभल के चलना पड़ गया यार, ये पहाड़ देखिए ना बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, डरा दे रही है ये जगह ने, ये जगह से जल्दी पार करने। अजीब लग रहा है, धरफना रे सच में ना धरफना है यार। एंड कहीं ना कहीं ये वक्का, जो वक्का विलेज है वहाँ जाने का रास्ता है, वक्का टाउन, वहाँ का रोड एंड वहाँ का थोड़ा कुछ मिलता जुलते हैं ये सिनारी वगैरह लुक भी। एंड वक्का टाउन वो हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में वहाँ लोकेटेड करते हैं। यार रुकिएगा, यूरिन भी लग रहा है। तो थोर नए जगह एक्सप्लोर करने आप एक्साइटेड हैं? जरूर, व्हाई नॉट। एंड जगह कैसे है यहाँ का? डरावना है पहाड़। डरावना है ना, खाई से सोच नहीं था कि रोड ऐसे बन गया क्या, क्योंकि पिछले साल हम लोग आते वक्त तो रोड ऐसे था ही नहीं ना। हाँ हाँ ये कम्प्लीटली अभी बन ही गया है मयूरिया तक तो। एंड मेन पार्ट तो ये है कि देखिए ना आप इतना बड़ा, इतना बड़ा पहाड़ से कटिंग करके देखिए, ये पत्थर को कटिंग करके साइड में खेले बॉम ब्लास्ट करना क्या है वो तो पता नहीं, बॉम ब्लास्ट तो नहीं करना चाहिए, काटा ऐसा लगता है मुझे।
तो ये जगह काफ़ी डरावना जगह है एंड कहीं ना कहीं ये जगह वक्का टाउन का जो रास्ता है ना उससे थोड़ा मिलता जुलता है। वहाँ का भी ये रास्ता ऐसे है जो पहाड़ को काटिंग करके बनाया गया है, तो काफ़ी डरावना जगह है ये। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, यूरिन कर लेगा एंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अगर करना है तो थोड़ा कर लेगा, लंच करना है तो कर लेगा यहाँ पे एंड यहाँ से आराम से निकलेगा। तो मेरे ख्याल में रोइंग से आनी नहीं 227 किलोमीटर से कुछ दिखाई था एंड माय आइडिया 54, तो 54 से 227 माइनस करने से लगभग 70 किलोमीटर से कुछ होगा। तो अभी भी जर्नी बहुत बचा है, कसम से मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ ना बहुत ठंडा है एंड गलती कर रही है यार, जो विंटर का जो ग्लोव है ना वो भी ले के आने से ठीक था यार, बहुत बड़ा गलती कर दिया। पर भी कुछ नहीं, कुछ सीख तो मिला। अगले वेलकम टू माय एरिया पास, एल्टीट्यूड 2655 और 8711 फीट। तो यहाँ पे स्नो गिरते हैं जब विंटर्स में को, विंटर्स में नहीं जब ठंडा होगा एंड बारिश जरा गिरे तो शायद मेरे ख्याल में स्नो गिरता है। यहाँ से कितना नेरो है, गाड़ी भी पास करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये ड्राइवर भैया बहुत ही खतरनाक से चला रहे हैं। एंड अनिनी जाने रास्ता ये है, ये कौन सी जगह पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको डिनर या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है या फिर होम स्टे करना है तो शायद मेरे घर में यहाँ कर सकते हैं कि शायद, मैंने ऐसा कुछ सुना है और वो तो पता नहीं, मेरा दोस्त जिंदो को पूछ के ही पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा है। जितना भी ट्रैवल किए हैं अनिनी के लिए तेयू से, रोड अभी तक अच्छे हैं एंड कोई भी जगह पे रास्ता ख़राब मिलते हैं वो भी सिर्फ 10 मीटर या 20 मीटर के लिए, तो वो सब कुछ नहीं क्योंकि वो सब जो लैंडस्लाइड होंगे कारण। एंड आप सभी देख सकते हैं कि पहाड़ को देखिए ना कितना सुंदर है, या मुझे पहाड़ों से प्यार है। पता नहीं GoPro में कैप्चर अच्छा से हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ का पहाड़ सीनरी बहुत ही सुंदर है। कोने कोने पहाड़ है, बीच में पहाड़ है और यहाँ का खाई देखिए आप एकदम खतरनाक, अगर यहाँ से गिर गया तो बचेगा नहीं, उपाय नहीं, फिर सबसे दूर रहना है। एंड देखिए लैंडस्लाइड में से बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे। पता नहीं अभी अनिनी पहुँचने के लिए 100 किलोमीटर अबाफ होगा, 120 या 130 किलोमीटर से कुछ तो होगा, अभी भी बहुत बचे सफ़र। अभी हम पहुंच गया, ये हुनली एक जगह है, पता नहीं ये बस्ती है ना टाउन है और इतना आइडिया नहीं है, अभी दोस्त को पूछ के देखिएगा कि ये क्या है। सो दुकान वगैरह मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा एंड आप सभी को ड्रोन शॉट लेके दिखाता हूँ कि यहाँ का मिलते हैं तो आप सभी को। पूछ के देखिए, पता नहीं ये हुनली क्या जगह है, टाउन है ना या फिर बस्ती है, लेकिन काफी सुंदर है यहाँ पे। दीदी अनिनी जाने रास्ता का है ना ये है ना, थैंक यू दीदी। ए रुकिएगा, बिहार लिया कई कई जगह पे आपको ऐसे रास्ता मिलेगा जो कि यहाँ लैंडस्लाइड होता है एंड हाईवे भी बना रहे यहाँ पे, अगर ये हाईवे बन गया तो बहुत ही सुंदर होगा। तो यहाँ से एक ब्रिज बनाने की कोशिश करें, शायद मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा होगा ब्रिज। और यहाँ पे दिखाया कि वे टू अनिनी, हम्म,
ऐसा रास्ता ज़रा ख़राब नहीं है, बस 200-300 meters ऐसे रास्ता ख़राब है, और बाकी जितना रोइंग से चला है सब रास्ता अच्छा था। एंड कोई की जगह पे यहाँ पे 100 meters 200 meters ऐसा कुछ वो है। एंड यहाँ का देख सकते हैं आप पानी। तो आप सभी देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर ग्रीन कलर का कलर डाल दिया, ऐसा एकदम प्योर उपाय नहीं। बहुत ही सुंदर है यार जगह भी, एंड बहुत ही बड़ा ऊंचा पहाड़ है। एंड यहाँ पे थॉमस थक गए ना, थक गए। काफ़ी सुंदर जगह है, लेकिन जगह में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सिनारी एंड सब चीज़। पानी एकदम गहरा है, ग्रीन कलर बहुत खतरनाक है। फाइनली ब्रिज पार कर दिया। अभी का ब्रिज से अनिनी 118 किलोमीटर है, तो ज़रा दूर नहीं है अभी, लगभग शायद में कभी 2 घंटा 1.5 घंटा में तो पहुंच जाएगा अनिनी। एंड टाइम हो चुका है अभी 1:05 बचा है, सो सारी 4 बजे तक तो पहुंच जाएगा अनिनी। वैसे दोनों रुक रुक के रेस कर करके आए हैं। एंड यहाँ पे हाईवे, OMG हाईवे निकल गया, सोचे नहीं था हाईवे निकलेगा, व्हाट अ सरप्राइज। आई हाईवे यहाँ ख़त्म हो गया, हाईवे यहाँ ख़त्म हो गया यार, पर भी कोई बात नहीं, शायद आगे में हाईवे होता होगा। आप सभी को मैं दिखाता हूँ इन जगह ना, बहुत ही सुंदर है यहाँ से, यार यहाँ से बहुत ही सुंदर है। चुपुंग 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 चुपुंग, ये देखा है, डार्क सीधा है सीधा, इधर आगे नहीं जा सकते। चुपुंग आराम से रह, इसका ऑपोजिट एक हाईवे है, वहाँ तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है, एलएस यहाँ तक है। चुपुंग आराम से, खतरनाक है ना चुपुंग, बढ़िया है व्यू, व्यूज यहाँ से बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का पानी, हाँ वो पानी दिखाई मिल रहा है, हाँ वो पानी, यहाँ से व्यूज बहुत ही अच्छे हैं। OMG यहाँ से अनिनी 110 किलोमीटर, सो ज़रा दूर नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पे हाईवे अनिनी तक पहुँच पाएगा? हाईवे नहीं, आधा आधा तक पहुँच सकते हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, क्या मालूम होगा। सही है, दोनों फर्स्ट टाइम। एंड ये है मेरा मेगाट्रॉन, एंड ट्रिपुंग का थॉमस का ये ब्लैक पैंथर। तो थॉमस का तेल अभी भी बचा है बहुत सारा, आप देख सकते हैं। तेल फुल से सिर्फ दो ठीक है, दो लाठी गया इसका, एंड मेरा फुल टैंक से कितना लाठी गया, मेरा 5-6 लाठी चला गया, अभी 4 लाठी बचा, पर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे पेट्रोल है। एंड मेरा बाइक ये टैंकी 9.5 लीटर है, एंड थॉमस तेरा 13 लीटर ना, नहीं कितना है, समथिंग 9.5 नहीं तो 9 ऐसा कुछ है, ठीक कर सकते हैं, तेरा 10 लीटर तो होगा। चलो जरा ही ज़्यादा रेस कर लिया। तो यहाँ से दोनों मूव करने का रहे, एंड दोनों ये डिसाइड कर रहा था कि अनिनी तो 110 किलोमीटर है, एंड इटालिन ये 60 किलोमीटर, एंड अर्जो 31 किलोमीटर, एंड रियाली 20 किलोमीटर। तो सोच दोनों ये बात कर रहा था कि अर्जो में खाएगा ना रियाली में खाएगा, कि दोनों ये बात करें तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। जहाँ लोकेशन अच्छा है वहाँ पे दोनों ने कुछ लंच लाया था, यहाँ पे प्लास्टिक में हमें पेट्रोल भी है, लंच भी है, क्या पता अगर पेट्रोल जो मिक्स ना हो जाए खाना के साथ खा लेंगे ना अगर यहाँ में सिमकम होता तो वो नहीं छोड़ना था क्या? सिमकम तो सर्वाइव हो जाएगा ना जहाँ भी हो।
मेरे दोस्त शिमकम है, वो कुछ चीज़ को भी नहीं छोड़ते, ऐसे खा देते हैं। और भी कुछ नहीं बोले ना दोस्त, बैग भूल गया ऐसा। लेट्स गो। काफ़ी सुंदर जगह है ये जगह, हवा भी ऐसे मार रहे। पता नहीं ये कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन ये अगर रास्ता बन गया तो बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन दरफ ना भी है। OMG, देखिए पत्थर गिरते हैं यहाँ पे, बहुत ही ऊंचा। ये देखिए पत्थर गिरा है। यहाँ का सीनरी ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हैं इतना बड़ा ऊंचा पहाड़। क्या जगह, कहाँ आ गया यार, जन्नत में आ गया, उपाय नहीं। एंड मेरे लाइफ में सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी ये होगा, अनिनी तेजू टू अनिनी। पता नहीं कौन सा रास्ता जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से जा लेते हैं। और रास्ता तो सेम ही है, ये रोड के बीच में कुछ डिज़ाइन बनाए हैं। यहाँ पे यहाँ से जाएगा शायद मेघल में। इतना आइडिया नहीं दोनों को। थॉमस ने मेरा आँख में धूली मार दिया। हाईवे बन रहे तो यहाँ पे ब्रिज, पुराना ब्रिज है। एंड हाईवे के यहाँ से ही होगा, यहाँ से ही ब्रिज लगा रहे हैं, तो काफ़ी ऊंचा होगा ब्रिज। मेरे ख्याल में अरुणाचल में सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ये अनिनी होना चाहिए, एंड मिजुका तावंग साइड, और भी बहुत कुछ है अरुणाचल में। देखिए ना जगह इतना सुंदर, पहाड़ों से मुझे प्यार हो गया यार, यहाँ का पहाड़ों से प्यार हो गया। एंड देख सकते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं पहाड़ के बीच से चला गया यार, बहुत ही सुंदर है, एकदम बढ़िया। दोस्त भी दिखाई ये, ये तो सेम रास्ते है, हम वहां से घूर गया है, ये रास्ते है। OMG, क्या जगह है, घूमना है तो अनिनी आना है, मरने से पहले अनिनी जरूर आना चाहिए आप सभी को। अगर आप सभी मेरे व्लॉग दे रहे तो आप सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अनिनी आए। हाँ थोड़ा लंबा रास्ता है, पर भी फूर्ती है, मस्ती है, रोड भी एकदम बढ़िया है। कोई कोई जगह जैसे कि मान लो कि 200 मीटर, 300 मीटर, थोड़ा कुछ ऐसे रास्ता ख़राब है, और बाद बाकी रास्ता सब अच्छा है। एंड अभी ये हाईवे पहुँच गया तो और भी सुंदर, पहाड़ों से प्यार हो गया है, पहाड़ों से कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। वाओ, ये ब्रिज भी देखिए एकदम सुंदर। थोड़े अनएक्सपेक्टेड लुक मिल रहे हैं ना, वही तो कहा, पहाड़ पूरा काट काट के बनाया ना, तो आप सभी देख सकते हो ऊपर में एक झरना है, वहाँ पे भी एक झरना है, इतना बड़ा झरना, उपाय नहीं रे, बहुत ही सुंदर है जगह। ये बात में हमको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि मेरे कहने पे ही ये गया है। जगह तो ना OMG,
प्यार हो गया मुझे, प्यार हो गया एकदम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अभी तक जो मेरे लाइफ में मैंने ट्रैवल किए ना, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है अनिनी। एंड ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इससे भी अच्छा अच्छा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं एंड मेरे चैनल में पहले बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर सपोर्ट करना। आप सभी का सपोर्ट से ही मैं ट्रैवल कर सकूँगा। एंड एक मोटिवेशन मिलते हैं जब आप सभी ये कमेंट करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगह बहुत सुंदर है, ये कैमरा में अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को, लेकिन जब आप नेकेड आइज से देखेंगे ना तब आपको ये फील होगा कि जन्नत जगह आ गया, जन्नत। OMG हाईवे ख़त्म हो गया। ये अनिनी रास्ता ऐसे है कि बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का जगह। एंड रास्ता भी दरफना भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ये खाई वगैरह है, तो दरफना भी है और अच्छा भी है, सुंदर भी है। OMG ऊपर भी हाईवे कटिंग चल रहा है एंड हाईवे बन चुका है शायद, ऐसे लगता है। रास्ता तो काफ़ी मतलब दरफना तो नहीं है ये, लेकिन जब वो साइड को खाई है ना उसने थोड़ा डराता है इंसान को। एंड जो ये बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, कैसे लगता है कि कब ये पत्थर गिरेगा, ये देख के एक डर सा हो जाता है। तो थो क्या करेगा, थोड़ा छाया जगह में बैठ के खाएगा ना। आप सभी बोरिंग ना हो ना, आज आप सभी को मैं सिर्फ जर्नी ही दिखाऊंगा एंड रास्ता वगैरह, जो कि आप नेक्स्ट टाइम अनिनी आते वक्त ये कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आप सभी को मेरा वीडियो के थ्रू एक गाइड करूंगा। तो दोनों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये छाया एक जगह छाया है, यहाँ पे थोड़ा सा छाया है तो यहाँ पे लंच कर लेगा, जो रोइंग से पैकिंग कर लाया था। एंड यहाँ पे सीनरी बहुत ही अच्छा है तो सीनरी को देख के खाएगा। एंड ये पानी बहुत ही गहरा है, देखिए पता चल गया। आज का दोनों का लंच, तो यहाँ पे एक सूप है ये एंड फ्राइड राइस पैकिंग दो है, तो चटनी वगैरह एंड फ्राइड राइस ये है। काफ़ी शेपलेस हो गया लेकिन भी उससे लेना देना नहीं है, खाने से हो गया। एंड पानी बोतल सिर्फ एक ही लिया क्योंकि दोनों ने सोचा कि दुकान तो मिल ही गए तो उसमें पानी आराम से ले सकते हैं, ये सोच के सिर्फ एक ही बोतल लिया। लेकिन अभी यहाँ तो दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है तो भूख भी लग रहा है। तो अभी दोनों वहाँ से मूव हो गया जहाँ लंच किया था एंड यहाँ से पता नहीं हाईवे निकले नहीं निकले, कुछ आईडिया नहीं, कुछ भी पता नहीं, पता नहीं कौन सा एंगल से हाईवे निकल गया। उधर जाना था ना इधर जाना था पता नहीं, लेकिन थोड़ा जाके देखिए शायद मेकर में इधर होना चाहिए जहाँ थॉमस प्रिडिक्शन करते हैं वहाँ होता ही है। मतलब सही अनिनी 100 किलोमीटर यहाँ से, हाँ 100 किलोमीटर अनिनी। देखिए ना तो बड़ा पहाड़ एंड यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, तो यहाँ से जल्दी से जल्दी जाने से ठीक है। क्योंकि रिस्की लगता है यहाँ का पत्थर को देख के,
आपको ये अनिनी रास्ता में आपको पूरा झरना ही मिलेगा। थोड़ा मीटर थोड़ा किलोमीटर के बाद पूरा ये झरना ही मिलेगा आपको। वाह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे ख्याल में यहाँ से अच्छा व्यू होता है। हर समय दोनों कुछ पहाड़ बढ़िया दिखाई देगा तो दोनों रुकते ही है। शायद मेरे ख्याल में आज या 8 या 9 टाइम्स से रुक चुका है दोनों। एंड ये देखिए ना, इतना बड़ा पहाड़ है तो उसमें से ये देखिए बीचों बीच ये एक आइलैंड टाइप का, एंड जहाँ में पानी गंदा है। और शायद मेरे ख्याल में ये अलग साइड का ये नदी ना थोड़ी ना ये, और जो अलग था वो ग्रीन कलर का था वो तो अलग नदी है। तो ये भी बड़ा है एंड वो पानी भी बड़ा है। शायद मेरे ख्याल में वहाँ ज्वाइन होता होगा ऐसे, उधर का पानी तो ठीक ही था। चलो अभी एलिलियांग पहुँच गया। पता नहीं यहाँ से कितना दूर है अनिनी, नेटवर्क कुछ भी नहीं इसलिए किलोमीटर नहीं दिख पा रहा है। एंड अभी तक साइन बोर्ड भी नहीं मिला यहाँ पे कि अनिनी इतना किलोमीटर दूर है। शायद मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर से कुछ तो होना चाहिए अभी, क्योंकि काफ़ी चल चुका है। नहीं 50 किलोमीटर से थोड़ा ज़रा होगा। ये रास्ता अनिनी का है ना, ठीक है ऐसे सीधे जाना पड़ेगा ना। थैंक यू। तो सही रास्ता चुना। उपाय ने आज क्या क्या देखने को मिला, मजा आ गया। पूरा हाथ साथ पूरा थक गया। ओ वैसे मैंने ग्लोव नहीं लिया ना, इसलिए ये मेरा हाथ जो पूरा सनबर्न हो गया। यहाँ पे एक झरना देख रहे, बहुत ही बड़ा है यार, दूर से देख रहे इसलिए इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एकदम बड़ा। OMG पानी भी बहुत ही बड़ा है यार। यहाँ पे हाईवे बना रहे हैं तो देखने में ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, लेकिन रिस्की भी है क्योंकि पानी पत्थर गिर भी सकते हैं। सो जितना सके ये सबसे थोड़ा जल्दी निकलना है। एंड अभी तक ये हाईवे बना रहा है इसलिए अभी तक यहाँ पे कुछ सेफ्टी वाला वो नहीं दिया गया है कोनों कोनों में। अगर आप नेकेड आइस से देखिए तो आप दंग रह जाओगे कि बहुत ही खतरनाक रोड में कैसे चल रहे हैं, कभी भी डर भी लग रहा है। इसलिए सिनेरियो को नहीं दिखते हैं, अगर सिनेरियो को देख ले तो ख़त्म। अभी पता नहीं ये कौन सा जगह है लेकिन काफ़ी सुंदर, शायद मेरे ख्याल में ये स्कूल होना चाहिए। वाह आज तो यहाँ पे पूरा गाड़ी गाड़ी, कुछ प्रोग्राम होता हो शायद, शादी पार्टी वगैरह ऐसे कुछ। वाह ये कैसे रोड है यार, हाईवे से डायरेक्ट छोटा बड़ा ऐसे होते जा रहा है ये रोड। अभी बड़ा रोड पहुंच गया। अभी का रोड देखे, हाईवे से छोटा छोटा से बड़ा। अभी अनिनी पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर है तो मन हल्का हो रहा है। एंड टाइम हो चुका है 4:30, एग्जैक्ट 4:30 हो चुका है टाइम। एंड अभी भी 9 किलोमीटर बचा है अनिनी पहुंचने के लिए।
लेकिन जो भी बोलो रास्ता बहुत ही अच्छा है, रास्ता बहुत ही अच्छा है। आप सभी अगर जो देख रहे हैं, आप अगर आप आने का प्लान है तो आ सकते हैं। यहाँ पे रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अनिनी नज़दीक है। ओह बहुत ही पीठ दर्द दे रहा है यार, ये देखिए वो पाए नहीं, हाथ भी पूरा रेड हो गया। जगह बहुत ही सुंदर है एंड अभी डूब दल गया क्योंकि बिहार में इतना पहाड़ पहाड़ है कि डूब जल्दी ही दलना पड़ा। यहाँ पे मैंने सोचा था कि अनिनी नहीं पहुँच से पहले मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा टैंकी जो 9.5 लीटर है एंड माइलेज 30-35 किलोमीटर लेता है एक लीटर। तो मैंने सोचा कि 227 किलोमीटर रोइंग से 227 किलोमीटर है अनिनी, तो मैंने सोचा था कि मतलब नहीं हो पाएगा। तो अभी तक मैंने पेट्रोल डाला ही नहीं, पेट्रोल अभी भी ये पॉलिथीन में है, ये प्लास्टिक में है। तो अभी शायद मेरे ख्याल में 2-3 या 4-5 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए अनिनी। एंड वहाँ पे अनिनी ऐसे लिखा हुआ है OMG। बोलने ही कुछ नहीं है, बोलने ही कुछ नहीं है। यहाँ पे अनिनी पे पेट्रोल पंप है, मैंने सोचा नहीं था कि पेट्रोल पंप यहाँ पर मिलेगा, मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लैक में मिलेगा ऐसा सोचा था मैंने। तो आई डोंट नो कि जिंदो कहाँ में मिलेगा। अभी पहुँच गया हम, अया तो फाइनली ये अनिनी पहुँच गया एंड आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है एंड बहुत ही क्लीन है ये। अभी दोस्त पिक करने आए यहाँ पे एंड वो मेरा बाइक चला रहे हैं एंड मैं उसका स्कूटी, वैसे उसके पास बाइक था लेकिन वो उसका बाइक इतना अगर छोड़ दिया क्योंकि उसको पता है कि बहुत ही लॉन्ग जर्नी है इसलिए वो छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम ये अनिनी पहुंच गया एंड 4:30 ऐसे कुछ को पहुंच गया था एंड यहाँ पे जिंदो, जिंदो के साथ कल मिलेगा, आज नहीं, आज थोड़ा सा बिजी एंड थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा एंड पाँव भी थोड़ा गर्म आ रहे हैं क्योंकि जूता 8 आवर्स तक जूता पहन के भी थे तो थोड़ा स्मेल भी आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो कल।